कैसे हुई थी धृतराष्ट्र की मृत्यु। धृतराष्ट्र को महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है, क्योंकि वे चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने पुत्र के मोह में अपने ही वंश का नाश करवा दिया। धृतराष्ट्र आंखों से ही नहीं, मन और बुद्धि से भी अंधे थे। उन्होंने अपने जीवन में वैसे तो कई पाप किए थे, लेकिन आपको बताएंगे आज उनके 8 पापों के बारे में। दोस्तों, उनके मृत्यु के बारे में जानने से पहले उनके कुछ निजी जीवन के बारे में भी जान लीजिए। सबसे पहला पाप उस समय हुआ था गांधारी के साथ धोखा। पितामह भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से करा दिया। गांधारी को जब यह पता चला कि मेरे पति अंधा हैं, तो उसने भी आंखों पर पट्टी बांध ली। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, अतः इसका पहला विवाह किसी और से कर दीजिए, फिर धृतराष्ट्र से करें। इसके लिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ही ज्योतिषियों ने ये सुझाव दिया था। इस कारणवश गांधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गई और बाद में उसका विवाह धृतराष्ट्र से करा दिया गया। गांधारी के परिवार को जेल में डालना, ये दूसरी गलती थी। गांधारी एक विधवा थी। जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चला तो वह बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी को पहले किसी से विवाह हुआ था और वह मालूम ना होने के कारण मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबाल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबाल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता। ये पूरे परिवार को भूखे मार देने की साजिश थी। राजा सुबाल ने यह निर्णय लिया कि वह यह भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए, ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके, और वह था शकुनी। ये भी कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के साथ उनका भाई शकुनी और आयु में बड़ी उनकी एक सखी हस्तिनापुर आई थी और दोनों यहीं रह गए थे। तीसरा पाप था दासी के साथ सहवास। गांधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा गया, लेकिन उनमें से एक भी कौरववंशी नहीं था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था। गांधारी ने वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के चलते ही गांधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री मिली थी। उक्त सभी संतानों की उत्पत्ति 2 वर्ष बाद कुंडों से हुई थी। गांधारी की बेटी का नाम दुशाला था। गांधारी जब गर्भवती हुई थी, तब धृतराष्ट्र ने दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युयुष नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था। इस तरह कौरव 100 हो गए थे। चौथा पाप, पुत्र के मोह में करवाया युद्ध। पुत्र मोह में धृतराष्ट्र पांडवों के साथ अन्याय करते रहे, लेकिन राजा और राज सिंहासन के प्रति निष्ठा के चलते भीष्म उनके साथ बने रहे। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में सारे वंश और देश का सर्वनाश करा दिया। धृतराष्ट्र चाहते तो वे अपने पुत्र के हठ और अपराध पर लगाम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और दुर्योधन को गलती पर गलती करने की अप्रत्यक्ष छूट दे दी। पांडवों के साथ हुए अति अन्याय के चलते ही महाभारत युद्ध हुआ। राज सिंहासन पर बैठे धृतराष्ट्र यदि न्याय करता होते तो यह युद्ध टल सकता था। विदुर ने कई बार धृतराष्ट्र को नीति और अनीति के बारे में बताया, लेकिन धृतराष्ट्र ने जानबूझकर विदुर की बातों को नजरअंदाज कर दिया। पांचवा पाप, चीरहरण के समय धृतराष्ट्र का चुप रहना। द्रौपदी के चीरहरण के समय भी भीष्म और धृतराष्ट्र चुप रहे, और इसके चलते भगवान श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध में कौरवों के खिलाफ खड़े होने का फैसला करना पड़ा। चीरहरण महाभारत की ऐसी घटना थी जिसके चलते पांडवों के मन में कौरवों के प्रति नफरत का भाव अस्थायी हो गया। यह एक ऐसी घटना थी जिसके चलते प्रतिशोध की आग में सभी जल रहे थे। छठवां पाप,
अधर्म का साथ देना। वयोवृद्ध और ज्ञानी होने के बावजूद धृतराष्ट्र के मुंह से कभी न्याय संगत बात नहीं निकली। पुत्र मोह में उन्होंने कभी गांधारी की न्यायोचित बात पर ध्यान नहीं दिया। गांधारी के अलावा संजय भी उनको न्यायोचित बातों से अवगत कराकर राज और धर्म के हितों की बात बताता था, लेकिन वे संजय की बातों को नहीं मानते थे। वे हमेशा ही शकुनी और दुर्योधन की बातों को ही सच मानते थे। वे जानते थे कि ये अधर्म और अन्याय कर रहे हैं, फिर भी वे पुत्र का ही साथ देते थे। अधर्म का साथ देने वाला कैसे नहीं खलनायक हो सकता है। सातवां पाप, भीम को मारने की इच्छा। युद्ध का अंत हो चुका था और पांडुपुत्र भीम ने धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का वध कर दिया था। इसको लेकर धृतराष्ट्र के मन में क्रोध और बदले की भावना प्रबल हो उठी थी। अतः मौका पाकर धृतराष्ट्र भीम को मार डालना चाहते थे। एक बार की बात है, जब महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांचों पांडव श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर महाराज धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचे, तो भीम के अलावा सबने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया तथा उनके गले मिले। बाद में भीम की बारी आई तो भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की मनसा को जान चुके थे। अतः जब भीम धृतराष्ट्र को प्रणाम करके उनके गले मिलने के लिए आगे बढ़ने लगे, तो श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से रोक दिया और उनके स्थान पर भीम की लोहे की मूर्ति आगे बढ़ा दी। धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने लोहे की मूर्ति को भीम समझकर पूरी ताकत से दबोच लिया और उस मूर्ति को तोड़ डाला। उनमें इतना क्रोध था कि वे यह नहीं समझ पाए कि ये लोहे की मूर्ति है कि भीम की मूर्ति है। भीम की मूर्ति तोड़ने से उनके भी मुख से खून निकलने लगा। इसके बाद जब धृतराष्ट्र का क्रोध शांत हुआ तो वे भीम को मृत समझकर रोने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, भीम तो जीवित हैं, आपने भीम समझकर मूर्ति तोड़ा है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से भीम की जान बचाई थी। आठवां पाप पूर्व जन्म का पाप है। कहते हैं कि पूर्व जन्म में किए गए पाप के कारण धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और उनके सभी पुत्र मारे गए। दरअसल अपने पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र एक बहुत ही निर्दयी एवं क्रूर राजा थे। एक दिन जब वे अपने सैनिकों के साथ राज्य में भ्रमण करते निकले, तो उनकी नजर एक तालाब में अपने बच्चों के साथ आराम करते एक हंस पर पड़ी। उन्होंने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि उस हंस की आंखें निकाल ली जाएं। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। दर्द से विरक्ते उस हंस की आंखों को निकालकर राजा अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ गया। उस हंस की असहनीय पीड़ा के कारण मृत्यु हो गई। इस घटना को देखकर उसके बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मरते वक्त हंस ने राजा को श्राप दिया था कि मेरी ही तरह तुम्हारी भी यही दुर्दशा होगी। इसी श्राप के कारण अगले जन्म में धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए थे तथा उनके पुत्र उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। धृतराष्ट्र की मृत्यु के बारे में जान लेते हैं। महाभारत युद्ध के 15 वर्ष बाद धृतराष्ट्र गांधारी संजय कुंती वन में चले गए। 3 साल बाद एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए गए और उनके जाते ही जंगल में आग लग गई और वे सभी धृतराष्ट्र के पास आ गए। संजय सभी को जंगल से चलने के लिए कहने लगे, लेकिन दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र वहां से नहीं जा पाए। गांधारी कुंती भी वहीं रह गईं। जब संजय अकेले ही उन्हें जंगल में छोड़कर चले गए, तब तीनों लोग आग में झुलसकर मर गए। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां पर सन्यासी की तरह रहने लगे। बाद में नारद मुनि युधिष्ठिर को यह दुखद समाचार देते हैं। युधिष्ठिर वहां जाकर उनकी आत्म शांति के लिए धार्मिक कार्य करते हैं। इस तरह से हुई थी अंधे धृतराष्ट्र की मृत्यु। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण।